कोरोना से दुनिया भर में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ रोजाना इस महामारी से जूझ रहे हैं। इसी के बीच 8 महीने की गर्भावस्था में भी लोगों की सेवा में जुटी कठुआ की डॉक्टर शिवानी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवानी 8 महीने की गर्भावस्था में भी ड्यूटी पर है। लू के थपेड़ों से हर कोई परेशान, जम्मू कश्मीर में 12-13 जून को बारिश के आसार। कश्मीर में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उत्तर प्रदेश निवासी सीआरपीएफ जवान की गई जान। बता दें कि कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के एक जवान को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर में 2 घंटे पहले पता चल जाएगा कब आएगी बारिश और आंधी। रडार का ट्रायल शुरू। जम्मू कश्मीर में मध्य बनिहाल में स्थापित होगा आधुनिक डॉपलर रडार, जो चिनाब और कश्मीर घाटी में मौसम का देगा सटीक पूर्वानुमान। भाजपा ने कहा, सखी योजनाओं पर महिलाओं को जागरूक करे प्रशासन। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रजनी सेठी ने प्रदेश प्रशासन से महिलाओं के कल्याण से संबंधित सखी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की अपील की है। जम्मू पार्टी मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान रजनी सेठी ने कहा कि केंद्र सरकार ने घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं को मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन की सखी योजना के नाम से शुरू किया। सीएम योगी पहुंचे दिल्ली, अमित शाह से मिलेंगे, कल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए बड़ा खतरा, देश में मिला हर्पिस सिंप्लेक्स नामक एक और खतरनाक वायरस। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को कई झटके दिए हैं। अब एक और नया वायरस सामने आया है, जिसे कोरोना से भी खतरनाक बताया जा रहा है। एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बनवा सकेंगे सिलेंडर। बता दें कि सरकार ने एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है, यानी अब आप अपना एलपीजी सिलेंडर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से रिफिल करवा सकेंगे। किसान आंदोलन में हजारों किसानों का दिल्ली की तरफ कूच, पुलिस अलर्ट पर। राजधानी के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं और इनके समर्थन में हजारों की संख्या में किसान पानीपत से दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने किसानों से 10 जून को दिल्ली चलो का आह्वान किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिली कि किसान दिल्ली में भी घुसने की कोशिश कर सकते हैं।